And like I said, the lady that probably greenlit this entire project, Aparna, could you please come back on stage so that we can have a big round of applause? I am missing a very important person, the man who started it all. Siddharth, where are you? Siddharth Mishra, kidhar chale? Arey sir, aap utke gayab hoge na tabhi. So we'll have another chair. Nahi, aapko iske bina nahi choda ja sakta. Perfect. So that, ladies and gentlemen, is the cast, the director, and Z5 all on stage. Photo op ke liye main baad mein zarur samay dunga. It would work really easily for me. We'll play a little game called Pass on the Parcel. Jimmy sir, we'll start with you. This is almost like, you know, watching Jimmy in his comfort zone. Aisi type ki film, series, it just brings out the best in you, and I think everyone loves this side of yours. Even though this beard we are not used to that much, we're used to a more clean shaven Jimmy Shergill. But just being part of this cast, you know, it's a very successful season one that happened. You walk into season two. Kaisa lag raha hai? सर कंफर्ट जोन वाले एज ऑडियंस हमें बहुत अच्छा लगता है. Rakesh ji, he passed away, so that's a very sad news that I just got some time back last night in his this thing. So 1 minute, I think I'll just this thing it. Or baki isme bahut acha laga. I think hum sabne bahut enjoy kiya, all the actors and bharosa. I think bharosa. Can you enjoy yourself on a show like this? Yahan bahut maar dhaar chal rahi hai, bahut cheeze ho rahi hain. अभी हुकुम का यक्का हम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, ये तो आपको वो दिखाया है जो आप देखना चाहते हैं, और कुछ और भी हमारे पास है. जब आप वो सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा. वो सबसे बड़ी चीज़ है इमोशन जो इसके अंदर है, वो बहुत आसानी से आपको मिलेगा नहीं कहीं पे. तो वो इमोशन हमने एक हुकुम का यक्का अपने पास रखा है, अभी आपको ट्रेलर में दिखाया नहीं है. वो मेरे हिसाब से USP है इस शो की. और लास्ट के 20 मिनट में अगर आप ना रोए तो मेरे नाम का कुत्ता अपने घर में पाल लेना. मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है, किसी ने कोई कमी नहीं रखी है. एंड जब आपको मज़ा आने लगता है तो ऑब्वियसली आपको मेहनत का पता नहीं चलता. तो 3 साढ़े 3 4 महीने कैसे निकले हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चला. एंड वी वर रियली फॉर्चुनेट टू हैव अ स्टेलर कास्ट, आई वुड से. मतलब ये सिर्फ देखने, मतलब पोस्टर पे देखने वाली चीज़ नहीं है. एक्चुअली देखना होगा सीरीज़ को समझने के लिए कि किसने क्या किया है. एंड एज यू सेट की कंफर्ट जोन, मुझे लगता है इसमें हर किसी ने अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया है थोड़ा, और वो ज़्यादा मज़ेदार होता है. सो बट या अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें. तो सचिन राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग. और क्योंकि गैंगस्टर्स तो आपको हर स्टेट में मिलते हैं, अलग अलग स्टाइल वाले. एंड ऑब्वियसली जो हमने लास्ट सीजन बनाया था वो एक बहुत ही लेजेंडरी गैंगस्टर के ऊपर था. वो तो वो प्रेशर थोड़ा सा होता है जब तक आप एक और कहानी क्रैक नहीं कर लेते, उसके बाद आपको स्टोरी लिखने में मज़ा आता है. और सचिन के साथ मैं डे वन से था, तो उसके इनपुट्स आते गए, हमारी बहस भी होती थी, हमारे डिस्कशन भी होते थे. फिर Z5 के साथ बहुत डिस्कशन होते थे, उनके साथ बहुत बहस होती थी, लेकिन फाइनली जो मुझे लगता है निकल कर आया है वो 3 minutes of your trailer is the whole show flashing in front of your eyes. Yeah, actually because ये मेला मेरा पहला ही एफर्ट था बेसिकली. ये पहली बार कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट. तो मैंने जिमी सर के साथ मदारी में काम किया हुआ था जब मैं असिस्टेंट था तभी, निशे सर के साथ. तो मेरे को प्रेशर बहुत था क्योंकि जब भी मैं मीटिंग में जाता था Z5 में तो मैं प्रेशर लेके ही जाता था क्योंकि वो पहले आपके सामने ही बैठे हैं, आप उनकी तरफ देख के बोल सकते हैं. क्योंकि वो पहले ही शुरू करते थे, देखो हमारा जो रंगबाज वन है ना, वो अब तक का आज तक तो उधर में सर मुझे भी बताया गया रंगबाज वन वॉज ब्रिलियंट, रंगबाज वन इज बेटर. बट आई कैन सी इट, इट्स हैपनिंग. एंड आई थिंक व्हेन यू हैव अ सुपर हिट प्रोडक्ट तो प्रेशर
इट्स नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ फेस बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट. आपको पता है कि भाई मुझे भी बीट करने जो भी नंबर्स हैं या बॉक्स ऑफिस की गेम ये नहीं है बट स्टिल यू वॉन्ट टू बीट द स्ट्रीमिंग द नंबर्स ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आपको बीट करने का मन करता ही है. हाँ बेसिकली मैं जो डायरेक्शन सीखा वो मैं निशी सर के साथ सीखा, निशिकांत कामत जी के साथ. मैं 2005 से उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके पहले पिक्चर के साथ. तो मेरे को उनको इम्प्रेस करना था या उनको ऐसा कुछ, लेकिन उनका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आना बहुत ज़रूरी था. जब वो आके उन्होंने एक दो दिन का फुटेज देखा या निधि मैम ने भी पहले दिन का फुटेज देखा, तब एवरीबडी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है ये लाइन पर तो है. तो फिर आगे जब भोपाल गए तो अच्छा शूटिंग हुआ एक 10-12 दिन का, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम लोग चल रहे. और सिद्धार्थ सर ने बहुत हेल्प की, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि राइटर पूरे टाइम सेट पे हो पूरे शूटिंग में, तो मतलब बाजू में मॉनिटर पे. मैं हमेशा मॉनिटर देख के ओके करता था, इनके तरफ देखता था तो ये हाँ ठीक है हाँ ओके चलो ओके करके मैं फिर निकल जाता था. तो उनका बड़ा हेल्प हुआ. तो शरद सर के साथ मैंने काम किया हुआ है, पहले रॉकी एंडसम में किया था, लय भारी में किया था. उसके बाद सुशांत के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, हर्ष सर के साथ पहली बार काम कर रहा था. स्पृहा तो मेरे कॉलेज की दोस्त है, बेसिकली मेरे को जूनियर. तो हम लोग ने साथ में ड्रामा में काम किया था, एक्टिंग करता था मैं पहले. बेसिकली यहाँ सब लोग एक्टर होने के लिए आते फिर धीरे 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 फिर एडी बन जाते हैं, फिर एडी से स्क्रिप्टर राइटर बन जाते हैं, फिर डायरेक्टर बन जाते हैं. हाँ मतलब मैं बाद में सोचते यार खुद डायरेक्टर बन जाओ, खुद एक्टिंग करेंगे. कुछ लोग आरजे भी बनते हैं लेकिन निशी सर की हर फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की है भाई. हाँ मतलब एक्टिंग का इन्होंने बुलेट राजा में भी एक सीन किया था, बड़ा कमाल का सीन था वो होटल के अंदर. एक्चुअली इज द गाय हु सेव्स अस, तो इनके साथ मैंने एक्टिंग भी की हुई है. तो बुलेट राजा के अंदर एक होटल सीक्वेंस था उसमें, तो वो एक चीज थी जिसकी वजह से भी आल्सो वी न्यू ईच अदर. शरद आई हैव टू कम टू यू. मतलब तुम्हारा क्या समय चल रहा है, कंग्रेचुलेशंस, टचवुड. यू नो मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, जब हम दोनों थोड़े से छोटे थे. अब तुम्हारी आवाज ज्यादा भारी हो गई और तुम ज्यादा बड़े भी हो गए हो. बट सो वंडरफुल टू सी यू यार, ये इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर यू. यू मस्ट बी रियली थैंकिंग योर स्टार्स. या या इट्स बीन अ ग्रेट 6 मंथ्स. लास्ट 6 मंथ्स हैव बीन वेरी नाइस एंड जो भी काम आ रहा है लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो काफ़ी है. उसके अलावा मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि क्या हो रहा है आगे क्या नहीं हो रहा है. लोगों को पसंद आ रहा है और लोगों को मैं एक अलग अलग किरदार दे पा रहा हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. और मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में कि मुझे अलग अलग किरदार मिल रहे हैं करने के लिए. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड यार.